में बुधवार को श्याम बाबा परिवार रजिस्टर्ड की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि आगामी 14 जुलाई को श्याम बाबा का भव्य दरबार लगने जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल बाबा का गुणगान करने आ रही हैं। रिपोर्ट अजय सक्सेना। आपको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, आपके मुरादाबाद शहर में 14 जुलाई को बाबा का भव्य दरबार सजने जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया? सभी से कहना ये है कि श्याम प्रेमी ज्यादा से ज्यादा आए, बाबा का गुणगान करें, दर्शन प्राप्त करें। क्या प्रोग्राम है, कितनी तारीख को, क्या टाइम टेबल जा रहा है? आपका ये प्रोग्राम 6 बजे से स्टार्ट होगा, प्रभु इच्छा तक चलेगा, 14 जुलाई दिन शुक्रवार 2023। कौन कौन आ रहे हैं इसमें? आपके भजन सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, साक्षी अग्रवाल जी आ रही हैं, और मैन श्री उमेंद्र चौहान सिंह जी आ रहे हैं, और मोहित शास्त्री जी। जी बुद्धि विहार फेज 2 नियर सेंट मैरी स्कूल। इसमें पुलिस प्रशासन का क्या पूरा सपोर्ट है उनका? भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सबको ये बताना चाहूँगा, जय श्री श्याम, जय बाबा जी सरकार। कलयुग के देव बाबा खाटू श्याम, जो कि किशन जी का उनको भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है, और आने वाले 5 से 10 सालों में बाबा की पूजा हर घर में होनी है, जिस घर में आज नहीं हुआ है। बाबा ने अनंत कृपा अपने भक्तों पर करी है और अनंत आशीर्वाद बाबा के दरबार से मिला है। कोई किसी तरीके से कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसी किसी मंदिर के बाहर भीड़ नहीं लगा करती। मैं समस्त श्याम प्रेमियों से, सनातन प्रेमियों से हाथ जोड़ के अपने संयुक्त श्री श्याम परिवार की ओर से विनती करना चाहूँगा कि 14 जुलाई को होने वाले भव्य महोत्सव में आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, अपने इष्ट पत्ते और परिवार जनों के संग में। हमारा प्रोग्राम नहीं है ये, आप सभी का प्रोग्राम है। व्यवस्थाएं रहने वाली है, और क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं, पास वगैरह कुछ जारी? जी सबसे पहले तो जय श्री श्याम सभी लोगों को। ये हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है बाबा के आशीर्वाद से, तो ये सभी के लिए हो रहा है, और इसके लिए पास जो है फ्री एंट्री है, मतलब नॉर्मल एंट्री बिल्कुल फ्री है। जो हमारे अधिकारीगण, पुलिस प्रशासनगण, जनप्रतिनिधियों के लिए होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए पासेस इशू किए गए हैं। अदरवाइज क्योंकि ये सिर्फ हमारे अपने महानगर का ही कार्यक्रम नहीं है, हमारे पास आसपास से, चंदौसी से, संभल से, अमरोहा से, बहुत जगह से बहुत भक्त लोग यहाँ पे अपना आके धर्म लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पूरा सभी का कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था परिपूर्ण रहे, इसमें हर तरीके से सिक्योरिटी, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें पूरी सिक्योरिटी का आश्वासन दिया गया है। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हमारा पूरे शहर से, पूरे महानगर से और सभी लोगों से अपील है कि सब जने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे भव्य से भव्य कराएं, क्योंकि हमारे मुरादाबाद शहर में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी पधार रहे हैं अपने गुणगान करने के लिए, बाबा का गुणगान करने के लिए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए। दूसरा महंत श्री उमेंद्र जी महाराज मनोना धाम से यहाँ मैं अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अपने महसूस कर रहा हूँ कि आगामी 14 जुलाई दिन शुक्रवार आपके शहर मुरादाबाद में बाबा श्याम का बहुत ही भव्य दरबार लगने जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी मुरादाबाद बाबा का गुणगान करने आ रहे हैं। साथ ही में साक्षी अग्रवाल जी, हमारे मंच संचालक मास्टर भगवान दीक्षित जी, और हमारे इस कार्यक्रम के पावन सानिध्य श्री श्री उमेंद्र सिंह जी महाराज, महंत श्री मनोना धाम, साथ ही में श्री मोहित शास्त्री जी, महंत श्री चुनकाना धाम, आप सभी श्याम प्रेमियों को अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो मैं सभी अपने श्याम परिवार की तरफ से आप सभी श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ अपने इस संकीर्तन में आए और बाबा श्याम का ये दरबार बहुत ही भव्य बनाए। और एक लास्ट में मेरी आप सभी से ये अपील है कि आप किसी भी हमारे इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके का कोई भी पास नहीं है, सभी की फ्री एंट्री है, कृपया आप सभी लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम को भव्य। जय श्री श्याम। बुलहारे के तारे की जय। होली लगातार की जय। होली बालाजी सरकार की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है मुरादाबाद शहर में, जो कि कन्हैया मित्तल जी भजन सम्राट, जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, हर जगह उनके श्याम जी के, श्याम बाबा के भजन सुनकर आप भी देखेंगे, आप दीवाने हो जाते हैं जब उनके भजनों को सुनते हैं। मुरादाबाद के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री श्याम परिवार द्वारा उनको मुरादाबाद में बुलाया जा रहा है,
और मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं यहाँ संरक्षक की तरह जुड़ा हूँ यहाँ श्याम परिवार से, तो मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि जो कन्हैया मित्तल को सुनना चाहते हैं, कन्हैया मित्तल जो सुनना चाहते हैं वो आएँ, परिवार सहित आएँ। पूरी व्यवस्था श्याम परिवार द्वारा और पुलिस प्रशासन के साथ द्वारा करी जा रही है, अच्छे बैठने की व्यवस्था होगी, बाकी हमारी जो कमेटी है सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे, और बाकी आपके भी जो सुझाव हम चाहेंगे कि आप भी अपने सुझाव। धन्यवाद सब लोगों से, तक देखा जाता है ऑलमोस्ट सब कुछ, सारा प्रोग्राम डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है, और बाकी सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भी आप लोग सब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए अपने धर्म लाभ कमाए और आके हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि ऐसे ऐसे आगे भी हम भव्य प्रोग्राम ऐसे ऐसे संकीर्तन करते रहें और सबको धर्म लाभ देते रहें और एक सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाते रहें। जय श्री श्याम। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और धर्म लाभ कमाए। मैसेज को पूरे शहर में जरूर पहुंचना चाहिए। अगर कोई भी आपसे ये बात कहता है कि पास बिक रहे हैं तो वो गलत है, कृपया इस अफवाह पे ना जाएं। उसमें एंट्री की कोई फीस नहीं, पासेज जो है सिर्फ उन लोगों के लिए किए गए हैं जो स्पॉन्सर हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी प्रकार से हम सभी लोगों के सहूलियत का, उनके आने का, बैठने का, व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। कृपया करके इस अफवाह पे कहीं ना जाएं कि पासेस बिक रहे हैं, कहीं भी कोई पासेस नहीं बिकेगा। वहाँ पे पूरी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है और बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो सबके लिए वहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।